बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी सारे मीडिया वाले साथियों का, पूरी दुनिया के जिन्होंने अज की इस प्रेस वार्ता लेके जाना है। मेरे नाल मेरे कैबिनेट के दो साथी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स, माइनिंग इरीगेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं मीत हेयर जी। इस तो अलावा प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सारे सिक्ख्या का विभाग जिहड़ा उहदा काया पलट करना है, उहदे विच अपना योगदान पा रहे हैं दिन रात करके हरजोत बैंस जी, चीफ सैकटरी साहब वीके जंजुआ जी और प्रिंसिपल सैकटरी वेणु प्रसाद। मैं अज एक बहुत गंभीर विषय से थोड़े नाल गलबात करनी है, तो चुनी हुई सरकार का पक्ष रखना। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमेशा तो पंजाब की लैगसी, पंजाब का विरसा, पंजाब के इमोशंस भावनावां और पंजाब के कल्चर, पंजाब के साहित्य के नाल जुड़े हुई यूनिवर्सिटी है। मैं थोड़ा जहा बैकग्राउंड दस दिना, यूनिवर्सिटी लाहौर सी पहला पंजाब यूनिवर्सिटी, जदों पंजाब दो हिस्सों वंडिया गया, पहला पंजाब की राजधानी लाहौर सी, तां फिर चढ़दे पंजाब की इस पंजाब की राजधानी हुशियारपुर सी। हुशियारपुर आई तां उस तों बाद हिमाचल ते हरियाणा पंजाब का हिस्सा नहीं रहे। उस वेले हिमाचल का भी हिस्सा सी इस यूनिवर्सिटी च, हरियाणे का भी सी, पंजाब का भी सी, ते यूटी का भी सी। उस वेले रेशो सी 20% पंजाब, 20% हिमाचल, 20% हरियाणा, 40% यूटी चंडीगढ़ यूनिट एक्ट। 1970 दे विच बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री सी, उन्होंने अपनी मर्जी नाल ही कहता जी असी तां यूनिवर्सिटी चो अपना हिस्सा कढ़न लगे। हर गल नोट करन वाली, अपनी मर्जी नाल उन्होंने आप ही फैसला किया। 1970 दे विच उन्होंने हिस्सा कढ़ लिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनवा ली, अपने जिहड़े कॉलेज सी उन्होंने उधर जोड़ लिया। 1973 च उन्होंने कहा असीं तां सैनेट च भी नहीं रहना जी, ना असीं कोई पैसा देना जी, सो अपना 20% छड्ड गए जी, हिमाचल दे भी हिस्सा कर लिया जी, 40% निकल गया जी। तां फिर 20% पंजाब कोले होर आ गया जी कि तुसीं दिओ वध, ते 20% जिहड़ा उह यूटी कोले आ गया। सो अज दी डेट च 40% पंजाब दिंदा फंड, 60% यूटी, उह दोनों निकल गए अपनी मर्जी ना निकले सैनेट च भी सब। उस तो बाद गल्लां चलियां कि इहनूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाता जाए, कि इहनूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना के ते इहदे च सेंटर दा जिहड़ा हिस्सा है वह पवाया जाए, तो सेंटर फैसले लगे। हम बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य दिखाने लगे हैं। माणयोग श्री स्वर्गवासी प्रकाश सिंह बादल जी की चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को, छब्बी अठ 2008, दोबारा दसा
मानयोग स्वर्गवासी प्रकाश सिंह बादल जी की चिट्ठी मनमोहन सिंह जी सेंटर सरकार उस वे प्रधानमंत्री उस वे मुख्यमंत्री ने लिखी उसका पेशा की है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ग्रांटिंग सेंट्रल स्टेटस टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये लिखा जी उन्होंने कि सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी चंडीगढ़ उन्होंने ये भी लिखा कहते आई एम हेयर बाय एडवाइज टू द कॉन्वे दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज नो ऑब्जेक्शन इफ पंजाब यूनिवर्सिटी इज मेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते दिस इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज विदाउट प्रजुडिस टू द स्टेट ऑफ पंजाब गेटिंग वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अनाउंसड दिस इज फॉरवर्ड टू फर्दर नेसेसरी एक्शन प्लीज सो कृपा करके अकाली दल तो यह चीज चो निकल जाए बाहर वो तो उन्होंने जेडे स्पोक्सपर्सन जी वो शाम 8 बजे तक जी डिबेटा डबूटा हो गए वह अपनी गप गुप तैयार कर लैन कि यह कदों लिखी सी जी उदों ही लिखी सी जी उदों हालात यह जी जो मर्जी से यह चिट्ठी उन्होंने जारी कर दूंगा मीडिया में जारी कर देंगे 26/8/2008 प्रकाश सिंह बादल साहब उस वे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लिखा कि सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी कि सेंटर यूनिवर्सिटी जी बनाता जाए जेडे कल मैं कहते मुख हरियाणा थोड़ा सावधानी ना मिले करो इतों ए कृपा करके मैं ना दसन सावधानी कि बरतनी है क्योंकि ऑलरेडी जो सड़कों पर लिखा होंगे उन्होंने सही साब कर चुके हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो इन्हों की सावधानी हट चुकी है दुर्घटना इन चिट्ठी कट चुकी है इन तो सामने अकाली दल सामने जो कांग्रेस कर रहे आओ तो रख दी हाँ जी नंबर दो मैं सच दसू सारे लोगों को इन्होंने की कितों कितों अंदर खाते सैन होर किते बाहर आके बयान होर दिते फिर आ गया जी असी जदों ये गल चली साड़ी सरकार बनी तो दो लैटर मैं लिखे जी एक अमित शाह जी नू तरीक दस दें 8/3 पहला मान लें अमित शाह जी ये धर्मेंद्र प्रधान जी वाला मैं मेरे को दो लैटर एक मिनट आप क्योंकि अज सारे कागजा समेत सबूतों समेत आप गल करते हैं ताकि लोगों को पता लग सके ये उन्होंने भी लिखी हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखी है मैं एक धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिखी है चिट्ठी तो एक अमित शाह जी रिटेनिंग स्टेटस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एज इंटर स्टेट बॉडी कॉपरेट एज इनवॉल्व इन द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 असी चिट्ठी लिख रहे हैं अमित शाह जी नूं लंबी चौड़ी चिट्ठी है कि जी इनू तुसीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश ना करो एक इंटर स्टेट बॉडी है 1966 का पंजाब जो पुनर्गठन होया सी उहदा जिहड़ा एक्ट है उहदे मुताबिक एक धर्मेंद्र प्रधान जी उस वेले सीएम मिनिस्टर फिर अमित शाह जी सी असी आ दो चिट्ठियां लिखियां उस तो बाद की होया जी असी विधानसभा 30/6/22 आ रेजोल्यूशन पास कर रहे विधानसभा पंजाब रेजोल्यूशन के असी कहा कि कोशिशां हो रही ने कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सैनेट के पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के घुसपैठ की जा सके किसी ना किस तरीके सेंटर की असी रेजोल्यूशन पास किया कि यह बिल्कुल सेम रहेगी बॉडी
डिसीजन मेकिंग बॉडी च कोई चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर च कोई चेंज नहीं कर सकते। इस करके जी इंटर स्टेट कारपोरेशन इंटर स्टेट बॉडी है वो इस तरह का कैम होगी, ये छेड़छाड़ की है सभी, असी रेजोल्यूशन पास कर लिया। मैं थोनू स्टेप बाय दस रहा, अगस्त 2022 च कांग्रेस की एक महिला विधायक है, हम इतनी कंध सौगी कल तो पाया कंध भी आ चुका, कांग्रेस की एक महिला विधायक हरियाणे तो अगस्त 2022 दे विच एक मता लेके आ विधानसभा च कि हरियाणे के सैनेट तो हरियाणे के कॉलेजों भी पंजाब यूनिवर्सिटी एफीलिएट किया जाए, जिन्हों के सरबसमति पास कर लिया जाता है। सो यदा मतलब कांग्रेस भी आ गई बिच, कांग्रेस भी कांग्रेस ने भी कहा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो, तो यह कल मैं फिर कहते थोड़ा जा ध्यान ना जाए पंजाब के हक ना कि उ कोई हकों के डाका ना पाए, ये जो बाहर डाकू बैठे है जे अंदरों पहले डाके मार के सैन करके आए है उन्होंने फिर कौन दसदा, जो कोई होर हों दसदा कोई अंदर आ सैन करके आए जी। सो ये आप कांग्रेस में वेद के रखते हैं। हुण आउने आपां मुद्दे ते, मुद्दा यह है 175 कॉलेज ने अबोल फाजिल का तक 30 कॉलेज यूटी दे ने फंडां दी आडे साडे वालों कोई कमी नहीं। असल दे विच मुद्दा कदों उठिया है, सैनेट दे विच हरियाणे का कोई है नहीं, क्योंकि आखिरी ग्रैजुएट 1973 च सी, सैनेट दे मैंबर नहीं है वो यूटी ते ज नॉमीनेटर ने यूटी यूटी ने पंजाब यह इनडायरैक्ट एंट्री भर दे पंजाब की इमोशनल पंजाब के लोगों इमोशनल साहित्यिक कल्चरल तौर पर जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी के असं अज उन्होंने कहा कि साडे वालों कोई ना है, असी किसी कॉलेज में हरियाणे के एफिलिएशन नहीं दे सकते। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मैं कहा जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जी है वो वधिया यूनिवर्सिटियां चाहती है, तुम उतो की गल यूनिवर्सिटी तुहाडे स्टाफ नहीं है, यूनिवर्सिटी ठीक पढ़ाई नहीं, इधर क्यों आना चाहते बच्चे साढ़े वाले ना थोड़ा कोई बट बनना समझा साढ़े ना इतने यूनिवर्सिटी तो तुम इधर क्यों आना चाहते हो जी, बस बच्चे चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी तो करिए। मैं कहता हूँ तुम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की इन्नी रेपुटेशन भी बना सके कि बच्चे चाहन कि असं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लीए, फिर वो कहते पैसे देवे मान साहब असी एक गल भी कही अभी वापस उन्ने पैसे देवे जब दे, कह दो देवे पैसे। मैं क्या जी फिर पैसे दे के तो फिर तुम कल कह दोगे पंजाब का की रेट रखे पंजाब ले लेंगे असं, ये पैसा ना हिस्सा पैदा होंगे कि कोई मतलब संविधानिक गल के पैसे दें जी सा हिस्सा पाओ, ये तो पहले इदा कर चुके ने ना पैसे दे के एयरपोर्ट हिस्सा पा लिया, हालांकि लगता नेड़े तेड़ो कितने नहीं, रनवे है चंडीगढ़ च टर्मीनल मोहाली च अद्धे पैसे हरियाणे को ला रखे ने ना कहते साढ़े भी तुझे तुम कहने असं पैसे दे के साढ़े को बहुत पैसे ने असी पैसे दे के अभी जोड़ा है हिस्सा पाना चाहिए, तो इन्हों की एक चिट्ठी है अज मैं सुनाई उन्होंने दिखाई हरियाणा गवर्नमेंट की चिट्ठी है जुडिशियल चीफ सैकटरी वालों गवर्नमेंट हरियाणा वालों हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के टू द वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ हरियाणा, वो कहते हैं कहें साढ़े को पैसे हैं भी